नमस्कार बच्चों, टुडे टॉपिक इज इलेक्ट्रिक चार्ज रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 12 करंट। यू नो द अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी, इट इज इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर व्हिच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट। इट मीन्स इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी, ये इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी पार्टिकल की इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी इस पर डिपेंड करता है कि उस पर चार्ज होगा या नहीं होगा, चाहे वो कंडक्टर हो चाहे वो इंसुलेटर हो। सपोज हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को अपन किसी चीज़ से रब करा रहे हैं। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये अपन ने ग्लास रोड ले ली, ग्लास रोड, और ये एक सिल्क क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ, इससे अपन इसको रब कराया तो पार्टिकल ट्रांसफ़र होंगे इस तरह से। वो डिपेंड करेगा इसकी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के ऊपर। जिसका लूज बॉन्डिंग रहेगा इलेक्ट्रॉन वो ट्रांसफ़र हो जाएगा अदर के पास। सपोज इसका लूज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके पास गया तो यहाँ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो इस पर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू रबिंग। क्लियर, ड्यू टू रबिंग। किस चीज़ में फ्रिक्शन करते हैं तो अपने पास इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग टूटती है, वो बॉन्ड पहले फ्री होगा जो आउटर ऑर्बिट में होगा। जैसे ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स रोटेट होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। अब यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस डिफरेंट है। अगर किसी अदर ऑब्जेक्ट से इसको अपन फ्रिक्शन कर रहे हैं या रब कर रहे हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ठीक है, ये न्यूक्लियस बॉन्डिंग ज़्यादा रहेगा, इसका अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा कंपैरिजन इसके अट्रैक्शन फोर्स। जब इन दोनों को रब करेंगे तो जल्दी ये ब्रेक हो जाएगा और ये टूट के यहाँ चला जाएगा इसके पास, ठीक है, तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। शो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ब्रेक हो गए इसके पास चले गए तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, समझ रहे हो, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक जो चार्ज है सिंबल क्या होता है, अपन इसे क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू, ठीक है। अब बात आती है बेटा ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी यानी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ये डायरेक्शन शो नहीं करता, ठीक है, क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा पॉइंट अपने पास है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है अगर इस सिंगल चार्ज की बात करें, ठीक है, तो इसकी वैल्यू फिक्स होती है। यूनिट की बात करते हैं, यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट किसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज की, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है कूलम, क्या होती है, कूलम। शॉर्ट में लिख सकते हैं अपन कैपिटल सी से, कैपिटल सी से शॉर्ट में लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल हो रहा गया वन माइक्रो कूलम, वन का वन माइक्रो मतलब 10^-6 ऐसे लिख सकते हो आप, वन पीको कूलम, ये हो गया 10^-12 कूलम, ठीक है, ये माइक्रो 10^-6 पीको 10^-12, ठीक है, वन नैनो कूलम तो 10^-9 कूलम। ये कुछ टॉपिक्स हैं याद रखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो हमारे पास है इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू फिक्स होती है। अब इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है बेसिक वैल्यू, जो बेसिक वैल्यू होती है ना इसकी, बेसिक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब जनरली चार्ज जो होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली अपने पास एक तो प्रोटॉन की फॉर्म में होता है और एक इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होता है, दो की फॉर्म में। ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है नेचर में, नेचर में ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है नेचर के अंदर, ठीक है। अब इनके जो चार्ज की वैल्यू होगी, इनकी बेसिक चार्ज की जो वैल्यू होगी चार्ज, ठीक है, 1.6×10^-19 कूलम, सेम इधर होगी बट ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, 1.6×10^-19 कूलम, ये नेगेटिव होगा, ठीक है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू होगी, अगर मास की बात करें तो इनका मास डिफरेंट होगा, मास डिफरेंट होगा, ये हैवी होगा ये लाइट होगा, इसका मास होता है 9.1×10^-31 kg, और जो इसका मास होता है वो होता है हमारे पास 1.67 राउंड ऑफ × 10^-27 kg, ये इसका मास होता है, ये कोई साइन नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है, ठीक है, 1.67×10^-27 kg और ये माइनस में 31 kg, तो ये हैवी हुआ। यानी अगर प्रोटॉन और
इलेक्ट्रॉन की मास में कंपैरिजन करें तो प्रोटॉन का मास ग्रेटर होता है इलेक्ट्रॉन के मास से। कंपैरिजन करें तो हमारे पास इसमें कितनी पावर का डिफरेंस आ रहा है, तकरीबन 4 पावर का डिफरेंस आ रहा है, तो ये करीबन 1000 मोर ग्रेटर होता है कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन के। ये इसकी मास की प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं अगले टॉपिक पर। हमारे पास एक टॉपिक और है, छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं इस पर, वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जिसको अपन आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। अब इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है हमारे पास, देखो इसमें लिखते हैं द रेट ऑफ चार्जेस फ्लो इन कंडक्टर वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट सिंपल सा है कि हमारे पास ये वायर है, ये क्रॉस सेक्शन वायर ले लिया अपन ने, ये वायर ले लिया, इसमें करंट जा रहा है इस तरह से, इसमें करंट जा रहा है आई, और इधर से एग्जिट हो रहा है आई करंट एग्जिट हो रहा है। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए, जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, जैसे पैन है ये होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, एक साइड का जो व्यू दिख रहा है ना आपको, ये क्रॉस, ये लेंथ होती है इसकी, ये वाली लेंथ है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, ये इसकी लेंथ हो गई। अब इसमें आपके पास कितने टाइम के लिए चार्ज फ्लो कर रहा है, इसमें जो चार्ज फ्लो कर रहा है ना वो क्यों है, इसके अंदर जो चार्ज आ रहा है वो क्यों है। तो हमारे पास हो गया करंट इक्वल टू क्या होगा, चार्ज अपॉन टाइम, कितने टाइम के लिए, आपने रेट लिखा ना यहाँ पर रेट, तो चार्ज कितने टाइम के लिए इसमें फ्लो हो रहा है, ये बात होती है। ठीक है, तो हमारे पास ये चार्ज कितने टाइम के लिए इसमें फ्लो हो रहा है, तो करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम हो गया। अब बात करते हैं कि इसकी यूनिट की बात करते हैं। देखो आपके पास ये क्या आया, करंट आया ना, करंट के आगे क्या लिखा हो, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, तो ये कूलम हो गया, और ये टी टाइम है, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, तो कूलम अपॉन सेकंड इसकी यूनिट हो गई। इसको एक और यूनिट होती है जिसको एम्पियर बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, एम्पियर। तो करंट की यूनिट आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, दोनों ही करंट की यूनिट है, ऐसा यूनिट, समझ रहे हो, दोनों ही करंट यूनिट है, ऐसा यूनिट। ठीक है, टॉपिक को अपन कैरी ऑन करेंगे नेक्स्ट में। थैंक यू।